प्यारे बच्चों सत श्री अकाल जमात पहली पंजाबी विषय दे विच तुहाडा स्वागत है। बच्चे आपां पैस की तैयारी करते करते ते मात्रावां दी दोहराई करते करते होड़ा मात्रा कर चुके हैं ते अज आपां कनौड़ा मात्रा वा जिहड़ी उह शुरू करांगे। बच्चे होड़ा मात्रा की आवाज़ धुनी तुसीं पहचान चुके हो वी किहो जी आवाज़ आ जिहड़ी होड़ा दी निकलदी आ ओ दी ते जदों कनौड़ा मात्रा लगती है तो उसकी आवाज आ जिहड़ी ओ दी निकलती है संघ दे विचों मूँह खोल के आ तां असी देखते हाँ भी कुछ अक्षरां दे नाल कनौड़ा मात्रा ला के किस तरह इसकी धुनी है जिहड़ी ओ निकलती है। आओ आपां बोर्ड की मदद दे नाल देखिए। पैस 2020 पंजाबी विशा जमात पहली कनौड़ा कनौड़ा बच्चे ओ ये भी होड़े वांगू अखर दे उपर ही लगती है। सो आओ आपां सस्से नूं कनौड़ा सौ हाहे कनौड़ा हौ कक्के कनौड़ा कौ खखे कनौड़ा खौ गगे कनौड़ा गौ। एक बार फिर सौ हौ सो इस तरह बच्चे आवाज़ है जी किसी भी असी अखर के नाल जो लाने कनौड़ा मात्रा तो वो आवाज़ है जी धुनी आई निकलती है। घगे कनौड़ा कौ चचे कनौड़ा चौ छछे कनौड़ा छौ इस तरह। सो आओ अज आप कनौड़ा मात्रा ला के कुछ दो अखरी शब्द आ जोड़ा उन्होंने बनावे तो दाव आप बनाइए। चौड़ चौड़ कौ उण कौन फौज फौज पौदा पौदा कौ उड़ा कौड़ा सौ दा सौदा फौजी फौजी पौड़ी पौड़ी कौली कौली। सो एक बार फिर आप सीधे रूप च शब्द पढ़ते हैं। चौड़ कौन फौज पौदा कौड़ा सौदा फौजी पौड़ी कौली। सो इस तरह बच्चे आप देखते हैं भी जदों किसी अखर के नाल या शब्द के नाल कोई मात्रा नहीं लगी होंगी तो कनौड़ा लग के उसकी आवाज़ आ किस तरह नहीं निकलती है किस तरह शब्दों के विच फर्क पैंदा वा ये तुहाडी पाठ पुस्तक दे विच भी दर्ज आ पढ़ो तो समझो। आओ आप देखिए कण कण जदों असी कक्के नूं कनौड़ा ला दिंदे आ तो की बन जाता है कौन कण कौन एवें कड़ा कड़ा जदों कनौड़ा ला दिंदे आ असी कौड़ा कड़ा कौड़ा। सो इस तरह ही मतलब आपां इस तरह दे दो इक्को जे शब्द लैके जिवें चर चार ते अगला भी चार इहदे ते आपां चचे ते कनौड़ा ला दईए की बन जूगा इह चौर की बन गया चौर चार चौर एवें ही भरा भरा दोनों इक्को जे शब्द ने पर जेकर असी दूसरे ते पब्बे ते कनौड़ा ला दिंदे आ बन गया भरा भौरा भरा भौरा। सो इस तरह बच्चे तुसी भी अपन कापियां ते ये शब्द आ जिहड़े सुंदर लिखाई दे विच लिखणे आ ते होर भी इस तरह के शब्द आ जिहड़े बनाउण दी कोशिश करनी है ते कल नूं आपां कनौड़ा मात्रा ला के होर शब्दां दा निर्माण करांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।